बाबेन अनाज मंडी एसोसिएशन की तरफ से अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन निकाला गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मंडी प्रधान लाभ सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो लोकसभा चुनाव के अंदर भाजपा प्रत्याशी का विश विरोध किया जाएगा और उसे मंडी में नहीं घुसने दिया जाएगा। हमारी मांगे मुखिया, आज जो फरमान सरकार ने भेजा है ई ट्रेडिंग का, ई ट्रेडिंग ना तो किसी किसान की डिमांड है ना किसी आढ़ती की डिमांड है। ये सरकार एक काला धर्म महरम पर थोप रही है तो हम इसको किसी भी कीमत पे लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि ई ट्रेडिंग को सबसे बड़ा नुकसान किसान का ही होगा। तो इसलिए जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होंगी तो हरियाणा में ऐसी स्ट्राइक रहेगी और 15 तारीख को अनाज मंडी एसोसिएशन हरियाणा की तरफ से करनाल में एक बहुत महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के कम से कम 50,000 आढ़ती पल्लेदार और किसान वहां पहुंचेंगे और इस सरकार का डंका बजा देंगे। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।